हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी उत्तराखंड जीके वाली सीरीज चल रही थी उसका ये आज पार्ट 45 है। आपको बताना चाहूँगा जो भी नए लोग हैं चैनल पे, देखिए 45 पार्ट अपलोड हो चुके हैं एमसीक्यूज वाले उत्तराखंड, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूकेपीएससी का प्रारंभिक एग्जाम हो या यूके SSSC का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी आज महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ देखिए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि वन रक्षक का मॉडल पेपर नहीं आ पा रहा, तो देखिए समय की थोड़ा बाध्यता होने के कारण मैं अभी मॉडल पेपर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। जल्दी ही आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। तब तक जो भी सीरीज चैनल पे चल रही है, यूके जीके एमसीक्यूज वाली हो या साथ में जीके एमसीक्यूज की हो, उसके साथ हिंदी वाली हो या जीके ट्रिक्स की हो, तो तब तक आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और जल्दी ही मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा और आगे की स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि कैसे आपने फॉरेस्ट गार्ड को जल्दी क्रैक करना है, कौन सा सिलेबस और कौन से पैटर्न को लेकर। तो आज की वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूके जीके का पार्ट 45। तो पहला क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, गढ़ गीता संग्राम नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो गढ़ गीता संग्राम एक काव्य संग्रह है जो कि चित्रकार या कवि मौलाराम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट देखिए, देहरादून की प्रसिद्ध नहर राजपुर कैनाल का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, ये पृथ्वीपति शाह जब शासन कर रहे थे, उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती, उस समय पे बनाई गई थी ये राजपुर कैनाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, पंवार वंश का दूसरा शासक कौन था। देखिए, अमूमन पहला तो सबको याद होता है, मैं आपको तभी देता हूँ, यूके SSSC लीग से हटकर प्रश्न बनाता है, काफ़ी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनाता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ देखने को। देखिए, पहला पंवार वंश की नींव डाली थी जो कनकपाल ने। ठीक है, लेकिन श्यामपाल इस वंश का दूसरा शासक था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है 37वां शासक अजयपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंदाकिनी और धूलगढ़ के संगम पर स्थित कौन सा स्थान है। तो मंदाकिनी और धूलगढ़ के संगम पर है अगस्त्य मुनि, ये भी काफ़ी फेमस एक प्लेस है, काफ़ी पर्यटन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगस्त्य मुनि आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री नट कला समिति राज्य में कहाँ स्थित है। तो हिमाद्री नट कला समिति जो कि क्षेत्रीय कार्यों सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए मशहूर है, ये स्थित है फलसीमा नामक प्लेस पे जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ किस नदी तट पर बसा हुआ है। तो गरुड़ एक कस्बा है जो कि बागेश्वर जनपद के अंतर्गत है और गरुड़ में ही स्थित है प्रसिद्ध बैजनाथ के मंदिर। ठीक है, कत्यूरी वंश के जो मंदिर है वहाँ पे बैजनाथ के मंदिर, वो आपको देखने को मिलेंगे। और गरुड़ से कस्बा बसा है या शहर बोल सकते हैं छोटा सा, वो बसा है गोमती नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री सत्यनारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो सत्यनारायण मंदिर स्थित है बागेश्वर में। अगला देखिए, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी। देखिए, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एमसीक्यूज वाले की हेमकुंड की खोज हुई थी 1930 के आसपास, और वहाँ पे सर्वप्रथम जो छोटा सा एक गुरुद्वारा बनाया गया वो बनाया गया था सन 1936 में। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध जलमग्न शिवलिंग राज्य में कहाँ स्थित है। तो जलमग्न शिवलिंग स्थित है गंगोत्री में, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, वीर गबर सिंह मेला प्रतिवर्ष कब और कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गबर सिंह को आप जानते हैं जिन्हें VC मिला था, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और इनकी याद में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को चंबा नामक प्लेस पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चंबा जो कि गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल में, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला देखिए, कंडक देवता की स्तुति में प्रसिद्ध कंडक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कंडक मेला लगता है उत्तरकाशी में, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, जयानंद भारतीय व उनके साथियों द्वारा जयहरी खाल राजकीय विद्यालय में झंडा कब फहराया गया था। तो ये डेट थी 28 अगस्त 1930, उस समय काफ़ी राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था उत्तराखंड में सभी क्रांतिकारियों में। तो इन्होंने भी क्या किया, जयहरी खाल एक प्लेस है यहाँ पे राजकीय विद्यालय में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको फहराया और गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिटिशर्स द्वारा उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे वन विभाग की स्थापना की सन 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस व्यक्ति ने ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता है पूरे देश में चला था 1940 से 1941 के टाइम पीरियड में, और यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह नेगी ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, जसपुर जो कि उधमसिंह नगर में है, जसपुर में टाउन एरिया कमेटी का गठन कब हुआ था। तो टाउन एरिया कमेटी जसपुर में गठित हुई थी सन 1850 ईस्वी में। अगला देखिए, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज की डेट में भी अगर आप अल्मोड़ा जाएंगे तो काफ़ी भव्य इमारत बनाई गई है उस टाइम की विद्यालय की। तो ये रैमजे इंटर कॉलेज स्थापित किया गया यहाँ पे सन 1817 में।
नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस मेले को स्थानीय भाषा में घुघुतिया बयार कहा जाता है? तो घुघुतिया बयार बोला जाता है उत्तरायणी मेला, जो कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर जनपद में सरयू नदी के तट पर आयोजित होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है घुघुतिया बयार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल कितने समय तक रहा था? तो आपको पता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, इसने मात्र 9 माह तक ही कार्यकाल किया। इसके बाद दूसरा कमिश्नर बना विलियम ट्रेल। ठीक है, तो 9 माह तक कार्यकाल रहा किसका? कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट है देखिए, प्रसिद्ध मोहन जोशी पार्क राज्य में कहाँ स्थित है? तो मोहन जोशी का नाम जोड़ा जाता है उत्तराखंड के एक महान व्यक्तित्व में आते हैं ये भी। इनके नाम पे एक पार्क स्थापित किया गया है अल्मोड़ा में। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो MCQ सीरीज है उसका, कि बुक्सा जनजाति के द्वारा कल्पित आत्मा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? देखिए, अभी जनजातियों का जो डिस्क्रिप्टिव सेशन है मैंने आपको दिया नहीं है, जल्दी मैं इसको आपके पास प्रोवाइड करवाऊंगा और इसमें सभी जनजातियों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे उनकी सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पे जाना चाहूँगा कि बुक्सा जनजाति के द्वारा कल्पित आत्मा के रूप में वो पूछते हैं बुज्जा नामक देवता को। ठीक है, जिससे कि कल्पित आत्मा जो है, जो मरने के बाद आत्मा लोगों की रह जाती है यहाँ पे, उसकी शांति के लिए इसकी पूजा की जाती है बुज्जा के। ये महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये था UK GK MCQs का पार्ट 45। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपनी स्टडी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।